हिसाब से इसमें भी अगर कुछ बनाओगे तो तीनों का कॉम्बिनेशन ही चलेगा, ठीक है? भले ही आप रिएक्ट यूज करो या कुछ भी यूज करो, लेकिन इन तीनों का सर कॉम्बिनेशन जावा इंटरनली स्क्रिप्ट या पाइथन यूज नहीं हो सकती है? पाइथन में होती है, फ्रेमवर्क में करोगे ना जब यूज होगी, ठीक अच्छा सर, पॉलीमॉर्फिज्म है? अगला टॉपिक डाल लो पॉलीमॉर्फिज्म। आज खत्म करा दो सर, पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ कोशिश रहेगी, वरना फिर मंडे को हो जाएगा अगर कुछ टॉपिक बचता है छोटा मोटा। हेडिंग डालो वो नहीं था, पॉलीमॉर्फिज्म। पहले एक बात बताऊं सर, वो नहीं था मेरा जो हेडफोन हाँ खराब हो गया हाँ था, वो मैंने चेंज करवा दिया सर, दोबारा से मुझे एक नया मिल, दोबारा दोबारा से मेल डाल दिया से मेल डाल दिया और नया आ गया वो सब। तो। हाँ हाँ बता रहे थे तुम हफ्ते और पहले आ गए वो। वो मैंने रिप्लेसमेंट इनिशिएट करा दिया, अब दूसरा मॉडल आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है नेक बैंड, अरे सही है सही है सही है उसकी कीमत 1200 रुपये। सही है ना, पैसों से मतलब नहीं होता इस टाइम पे, तो वो देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। उसने उसने सर मुझसे क्या कमा लिया होगा, कुछ भी नहीं कमाया होगा उसने, इतनी बार तो वो चेंज चेंज करके दे चुका है, 3-4 बार तो उसने डिलीवरी में पैसे लगा दिए, 699 रुपये की मात्र कीमत थी। सही ऐसे ही है, तुमसे नहीं कमाया औरों से तो कमाएगा। एक आध बात है। कस्टमर ऐसे आते हैं, मान के चलते हैं वो एक आध कस्टमर ऐसे आते हैं लड़ने वाले, या फिर जो जबरदस्ती तोड़ लाते हैं और फिर बोलते हैं कि तो मैंने टूटा दिया है ना, तो उन्हें पता है कुछ हाँ उतना, वो लेके चलते हैं एवरेज उसमें, ठीक है? अच्छा, ऐसा सर कुछ होता है जरूर, हाँ तुम सही है दुकान सर। खोल के बैठोगे तो तुम्हें पता है ना कि एक आध सामान टूटेगा ही टूटेगा, तो बाकी सब में एवरेज निकाल के लेके चलोगे ना कि 5-10 रुपये वापस जो भी हम माल लेके आ रहे हैं मटेरियल उसके लिए, है ना? हेडिंग डालो पॉलीमॉर्फिज्म। इसके यस अंदर सर। लिखो पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, मैनी और फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है फॉर्म्स, ठीक है? पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है फॉर्म्स, यस सर। ठीक है? कोई भी से एक चीज एक जगह पे अलग तरह से बिहेव करे, दूसरी जगह पे अलग तरीके से बिहेव करे, उसको क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? इसमें आगे लिखो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है? लिख लिया पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, इसके आगे लिखो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, ठीक है? अब सिंपल एक ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करण है, करण घर में मम्मी के आगे बिल्कुल गाय जैसा बना रहता है, दोस्तों के आगे बिल्कुल दारा सिंह बन जाता होगा, और मास्टर मेरे आगे जैसे कि बिल्कुल वैसा भोला बच्चा बन जाता है ना? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक ही ह्यूमन है, एक ही बंदा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल वॉचमैन है, अब घर पे तो भैया वो माँ बाप किसी का बाप है या किसी का बेटा है तो वो उस तरह से बिहेव करेगा, ऑफिस में अगर कहीं आ रहा है वॉचमैन है तो उधर वो सलाम ठोकेगा, है ना? कहीं दोस्तों के साथ जा रहा है तो फिर उधर अपना रुतबा दिखाएगा, तो मतलब क्या होता है कि एक ही ह्यूमन बीइंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, तो ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हो गया, क्लियर यस है? सर। यस अब सर। इसमें कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा प्लस, ठीक है? प्लस ऑपरेटर को आपने देखा होगा, अगर आप दो वैल्यूज़ को आप क्या कहते हैं सम कर रहे हो, लेट सपोज 10 + 2, तो ये किस तरह से काम करता है कि आपको देता है 12, ठीक है? कहीं कहीं पे आपका प्लस क्या करता है कॉन्केटिनेशन के काम में आता है, ठीक है? कॉन्केटिनेशन के काम में आता है, कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके स्ट्रिंग को जोड़ देना, यस सर। ठीक है? समटाइम्स इट्स यूज एज अर्थमेटिक एडिशन, कहीं आपका एडिशन के फॉर्म में आ रहा है, कहीं आपका कॉन्केटिनेशन की फॉर्म में आ रहा है। एक यस आपने सर। देखा होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपका देखा होगा कहीं कहीं आपका क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, और कहीं कहीं आपका क्या करता है मल्टीप्लाई आपका, आप जगह स्ट्रिंग और नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वो क्या करता है आपका रिपीटिशन करता है, ठीक है? किस काम में आता है रिपीटिशन ऑपरेटर के काम में। याद है रिपीटिशन ऑपरेटर, लेट यस सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग दी ए ए ए और इसका मल्टीप्लाई कर दिया थ्री टाइम्स, ए बी सी ले लेते हैं तो आउटपुट क्या आएगा इसका ए बी सी ए बी सी ए बी सी, है ना? और अगर मैं यस मल्टीप्लाई कर सर। रहा हूँ लेट सपोज 10 × 5 तो आउटपुट क्या आएगा आपका 50, ठीक है? इसी तरह से कॉन्केटिनेशन, लेट सपोज मैं दो स्ट्रिंग लेता हूँ एप्पल और प्लस, और मैं ले लेता हूँ लेट सपोज बनाना, तो आउटपुट क्या आएगा एप्पल बनाना आपका है, एप्पल बनाना है। टेन एप्पल टेन बनाना टेन सर। टेन बन 10, टेन
10 क्यों आएगा? ठीक है, आपका देखो प्लस ऑपरेटर कहीं पे एडिशन कर रहा है, प्लस ऑपरेटर कहीं पे कॉन्केटिनेशन कर रहा है, सेम मल्टीप्लाई ऑपरेटर कहीं पे आपको मल्टीप्लाई कर रहा है, आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर सेम कहीं पे रिपीटेशन कर रहा है। इस एग्जांपल को लिख लो एक बार जरा। मैंने पूरा कल का दिन गेम खेलने में निकाल दिया। क्या कह रहे हो? कल का पूरा दिन मैंने गेम खेलने में निकाल दिया भाई। अच्छा कोई नहीं, थोड़ा माइंड फ्रेश भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बस काम के लिए 2 या 3 घंटे फिक्स कर लो, बाकी तुम अपना एंजॉय करो। ठीक है, इसके लिए फिक्स कर लो, बाकी जो टाइम है उसको एंजॉय करो। उससे क्या होगा, आपका एंटरटेनमेंट बना रहेगा, अदरवाइज काम ही काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बस सर यही महीना है, फिर तो सर अगले 2 महीने की छुट्टियाँ हो जाएंगी कॉलेज से भी। अच्छा छुट्टी हो जाएंगी उसके बाद? हाँ सर, बस ये 21 मई तक है। पेपर तुम्हारे हो गए? पेपर तो तुम्हारे है ना अभी 7 से? अच्छा 7 से पेपर है, 7 से 21 है। अच्छा 7 जिसमें से सर 14 तक मेरे प्रैक्टिकल वो है, प्रैक्टिकल वगैरह। अच्छा हाँ सर, 21 के बाद फ्री हो जाओगे। सही है, बढ़िया। ठीक है लिख लिया ये? बस लिख रहा हूँ सर। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है सर? स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना, चेंज करना, याद है वो? आप स्ट्रिंग रिप्लेस करना, स्ट्रिंग के ऊपर जो भी हम काम करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहलाता है। लोअर वगैरह ये सब। थोड़ा सा इनको वर्ड्स को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं कहीं पे इंटरव्यू में जाओगे ना तो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देंगे जो ऐसा लगेगा कि आपने कभी करा ही नहीं है, लेकिन वो चीज आपने करी होती है। हां कल एक लड़का पूछा था तब मैं थोड़ा याद आया कि हां ये सब चीज। ओके सर, हो गया। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाह रहा, जो मैंने गेम बनाया था उसके अंदर अगर हमें कंप्यूटर से खिलवाना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो जैसे तुम कर रहे हो उसी में क्या करो, जैसे तुम पिक कर रहे हो कंप्यूटर से एक रैंडम प्लेस पिक करवा लो इसके अंदर से। ठीक है, रैंडम पोजीशन, उसको रैंडम रैंडम डालते जाओ, बस खत्म करो सब सब उसकी उसकी चांस पे सब। हाँ अभी रैंडम का करो, उसमें लॉजिक तो बात की बात हो जाएगी। जैसे चेस होता है, चेस क्या करता है, कंप्यूटर जीतने के लिए खेलता है ना। अभी तुम इसमें रैंडम प्लेस पे पिक करवाओ, फिर बाद में इसमें लॉजिक बनाना कि इधर इधर से बन सकता है, तो कोशिश करना कि जो जो ऑप्शंस उसके हो सकते हैं वो ऑप्शंस को लेके चले। और एक फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी रॉक पेपर सीजर वाला बनाया था, उसमें मैंने देखा था कि कंप्यूटर बार बार नहीं जीत पा रहा था, हाँ वो चीज आप सेट कर सकते हो। लेट सपोज आपको पता है कि एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, एक ये बनता है 369 वाला, एक 258 वाला, एक 147 वाला, एक बनता है 159 वाला, एक आपका 357 वाला, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 बैक एंड फोर्थ का मतलब 1 2 3 और 3 2 1। ठीक है, अब ये सारे कॉम्बिनेशन आपने डाल दिए, जीतने की वो 36 प्रोबेबिलिटी है, 36 और ये 38 प्रोबेबिलिटी है जीतने की, मतलब जो भी आप बता रहे हो ना ये सीधा ऊपर नीचे से मैंने निकाल लिया, इसकी 38 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 38 बार आपका कोई पैटर्न बनेगा तो आप जीत सकते हो, और कंप्यूटर भी जीत सकता है 38 बार में। अच्छा ठीक है, हाँ 38 बार में आप जीत सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर तुमने क्या करे, सारे सेट बना के रख दिए। ठीक है, ये सारे के सारे, अब मान लो कि यू एज अ नॉर्मल यूजर आपने इधर चला, तो उसके पास क्या होगा, ये वाले क्रॉस वाले इसके हट गए ऑप्शंस। अब वो इनमें से किसी को बनाने की कोशिश करेगा, ये या फिर ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बचे उसके पास, तो इनको लेके वो चले, प्लस इसमें तुम्हारा भी नहीं बनने दे वो, तो ये सारे कॉम्बिनेशन तुम्हें उसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अब पॉलीमॉर्फिज्म में लिखो पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें होती है, पहला होता है, क्या क्या लिखना है सर अभी? पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट्स टू टाइप्स ठीक है, इसके अंदर आपका ओवरलोडिंग में आप लिखो, दो टाइप के होते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है, ठीक है, ओवरलोडिंग में भी आप लिखो इसके अंदर
ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दूसरा आप लिखो इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग, तीसरा आप इसके अंदर लिखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, एक सेकेंड। ओवरराइडिंग में आप लिखो इसके अंदर मेथड ओवरराइडिंग, और दूसरा आप लिखो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अभी मैं बताता हूँ सबको एक एक करके, ये आप एक बार पहले सारे लिख लो। ठीक है, पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से कवर करा जा सकता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के थ्रू। ओवरलोडिंग तीन तरह के होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग दो तरह के होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। इसको लिख लो एक बार। हो गया था। लिख लिया? हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर हेडिंग डाल लो ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग हेडिंग डाल लो। सर जो ये लोडिंग वर्ड है, जैसे कि कोई भी हमारा प्रोसेस होती है दिखती, जैसे कि कोई भी हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह प्ले करते हैं तो जो लोडिंग का साइन आता है उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है ना, वो चल रही होती है। लोडिंग का साइन बस दिखाने के लिए होता है, उसका बैकग्राउंड प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसका बैकग्राउंड प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब बहुत सारी फाइलें ओपन हो रही होती है, हाँ, और हाँ। भी काम हो रहे होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, बैकग्राउंड में काम चल रहा होता है। ठीक है, अब इसमें लिखो ओवरलोडिंग लिख लिया, इसके अंदर लिखो यूजिंग सेम ऑपरेटर और मेथड, यूजिंग सेम ऑपरेटर और मेथड फॉर डिफरेंट पर्पस यूजिंग सेम मेथड और ऑपरेटर फॉर डिफरेंट पर्पस इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। लिख लिया? यस सर। एग्जाम्पल ये सारे के सारे मैंने आपको बताए थे, ये सारे के सारे आपके किसके काम में आते हैं, ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल एक तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पॉइंट डाल लो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या सर? ऑपरेटर ओवरलोडिंग पहला पॉइंट डाल लो इसके अंदर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इसके अंदर लिखो यूजिंग सेम ऑपरेटर फॉर मल्टीपल पर्पसेस, यूजिंग सेम ऑपरेटर फॉर मल्टीपल पर्पसेस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Using same operator for different purposes is called as operator overloading. ठीक है, लिख लिया। Example देखते हैं operator overloading का। Let's suppose मैंने class बनाई book, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक init function डिफाइन करा, और इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ इसके अंदर पेजेस पास करे, बुक्स के पेजेस होते हैं वो मैंने पास करे, और इधर मैंने क्या करा सेल्फ डॉट पेजेस में पेजेस को डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया B1 इज इक्वल्स टू बुक, इसके अंदर मैंने डाला लेट्स सपोज 100, और B2 इज इक्वल्स टू बुक
के अंदर मैंने डाला 200, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, प्रिंट B1 प्लस B2, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, इसके अंदर एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस फॉर बुक्स एंड बुक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि वी कैन ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू वर्क विद बुक ऑब्जेक्ट ऑल्सो। पाइथन क्या करता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या एक मैजिक मेथड है, ऐड। ठीक है, ऐड एक मैजिक मेथड है जो क्या करता है कि आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। इसको थोड़ा सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या, हाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी क्या है आपका, जब आपने प्लस करने की कोशिश करी इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश करी तो आप नहीं कर पाए, इसमें आपको एरर मिला है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर इंटरनली, जो कि आपका क्या करता है, ऑपरेटर का जो आप प्लस करने की कोशिश कर रहे हो इसको ऐड कर देगा। नया फंक्शन है, देखते हैं। डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, सेल्फ और अदर। यस सर, इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, रिटर्न ए प्लस बी सेल्फ डॉट पेजेस प्लस अदर डॉट पेजेस। ठीक है, अब हम इसको यूज करते हैं इस तरह से, इसको चला कर देखते हैं दोबारा से। ठीक है, आपका क्या आ गया, देखो 300 आउटपुट आ गया, ये क्या प्रिंट हुआ, और नीचे पता नहीं क्या, देखो इसके अंदर क्या आ गया, 300 आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, आ गया आउटपुट। आपके पास दो नंबर्स हैं, आपके पास कोई एक वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, दूसरी वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। आपने क्या करा, उसको ऐड करने के लिए आपने क्या करा, एक ऐड आपका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसको यूज करके दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये जो आप बाहर जो पेजेस में क्या B2 के लिए लगाया है, क्या चीज, ये अदर डॉट पेजेस के लगाया है। हाँ, ये आपका B1 प्लस B2 इन दोनों को क्या करेगा, एक को आपका B1 मानेगा, दूसरे को आपका B2 मानेगा और उन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैजिक मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, मैजिक मेथड। सर एक बार ये अदर वाला कॉन्सेप्ट बता दो सर एक बार। एक मिनट, क्लास बुक इसके अंदर आपने जैसे B1 का ऑब्जेक्ट बनाया, B1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर आपने क्या करा, सेल्फ डॉट पेजेस के अंदर 100 डाल दिया। ठीक है, अब आपने B2 का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने क्या करा, उसके अंदर भी आपने 200 डाल दिया। जब आप ऐड फंक्शन को आप यूज़ करते हो तो आप क्या है, लेट सपोज आपने B1 प्लस B2 करा, तो सेल्फ के अंदर क्या जाएगा आपका, B1 का ऑब्जेक्ट जाएगा। तो आपने क्या करा, सेल्फ डॉट पेजेस, इसमें एक बार दिखाता हूँ, मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ पहले, इस तरह से समझ में आएगा। सेल्फ डॉट पेजेस आपको क्या है कि जिसका आप रेफर कर रहे हो वो 100 आया। ठीक है,
और आपका अदर डॉट पेजेस आपका क्या है जिसमें आप ऐड कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी, ठीक है, 100, 200, 300, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझो, आपने जब B1 प्लस B2 करा तो B1 क्या हो गया आपका, B1 आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को इसमें आपने डाल दिया है, इसको ऐसे समझ में आएगा आपको। अगर मैंने B2 प्लस B1 करा, एक सेकेंड, अगर मैंने B2 प्लस B1 करा तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, देखो हो गई चेंज, एक सेकेंड इसको सेव कर लो, ये समझ में आया? सर ये रिटर्न क्यों लगाए? ये रिटर्न इसलिए लगाया ताकि ये वैल्यू को रिटर्न करे, नन आए क्या चीज? वो नन आया था ना सर, अगर हम इधर भी प्रिंट कर देते तो, समझा नहीं मैं सर, अगर हम डेफ में भी प्रिंट कर देते हैं तो फिर एक बार आपका आउटपुट आता है, एक बार नन आया था ना सर डबलर प्रिंट करने से? ना प्रिंट करने से कुछ नहीं आता, नहीं सर वो फंक्शन में आया था, जैसे अगर हमने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराया बाहर भी प्रिंट कराया तो मीन, हां कराओ कराओ कोई दिक्कत थोड़ी, उसमें क्या करा हुआ आपने, रिटर्न नहीं कराया होगा, रिटर्न नहीं कराया था, हाँ। मैंने प्रिंट करा दिया था, रिटर्न नहीं कराया होगा आपने, क्या करोगे अंदर भी प्रिंट कराया और बाहर भी प्रिंट कराया, तो अंदर तो आपका प्रिंट हो गया बाहर आपका नन आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा, क्योंकि आपको रिटर्न में कोई वैल्यू मिली नहीं रही थी। पर सर आपने रिटर्न सेल्फ पेज प्लस अदर पेज कराया है, हाँ नीचे आपने प्रिंट कराया तो रिटर्न कराने की जरूरत थोड़ी ना सर, जरूरत थी क्यों नहीं थी, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है ये मैंने हटा दिया, ये मेरे को समझाने के लिए था, जब हम B1 में B2 ऐड कर रहे हैं तो B1 के ऑब्जेक्ट में B2 पास हो रहा है, समझो पहले इस कोड को एक बार समझो पहले, इसमें क्या है मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया B1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया B2, B1 के अंदर 100 वैल्यू, B2 के अंदर 200 वैल्यू, B1 के ऑब्जेक्ट में हम B2 का ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो B1 के ऑब्जेक्ट के अंदर B2 का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है एक तरह से, ये मान के चलो, ये जो ऐड आपका है ये जो मैजिक मेथड है इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल्फ में जा रहा है B1 का ऑब्जेक्ट, अदर में जा रहा है B2 का ऑब्जेक्ट, सेल्फ में जा रहा है B1 का ऑब्जेक्ट, अदर में जा रहा है B2 का ऑब्जेक्ट, इसने क्या करा सेल्फ डॉट पेजेस 100, अदर डॉट पेजेस 200, इन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा तो ये मेरे को क्या देगा, कुछ नहीं देगा, क्योंकि मैं कुछ प्रिंट करा ही नहीं रहा, खाली आया एम्प्टी आया। अगर मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा तो ये मेरे को एम्प्टी देगा, यस सर। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, वैल्यू वापस देता है आपको, ठीक है। अगर कोई भी आपका फंक्शन है, अगर आप रिटर्न यूज़ कर रहे हो, ये क्या करता है आपको कोई वैल्यू वापस देता है, इसका आउटपुट इसने आपको वापस दे दिया। अब आप इसको एक थर्ड वेरिएबल के अंदर आप इसको डाल सकते हो, लेट सपोज B3 ले लिया, इसके अंदर आप ये वैल्यू इसको डाल सकते हो और इसको आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपको कोई वैल्यू ये फेंक रहा है, ये आपको थ्रो कर रहा है, यू नीड टू कैच दैट वैल्यू, आप या तो किसी वेरिएबल में कैच करो या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दो, ये आपके ऊपर है। अच्छा सर, ठीक है, आ गया, यस सर। ये क्या हो गया, इस एग्जांपल को एक बार लिख लो, भाई कौन फोन कर रहा है तुम इतना, इसके अंदर जैसे ऐड है इसी तरह से और फंक्शंस होते हैं, SUB, MUL, DIV, Floor DIV, MOD, POW, ठीक है, ये सारे के सारे आप इन फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। अगर लेट सपोज आप दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, तो आपको जैसे ऐड मैजिक मेथड यूज़ करा है उस तरह से आपको वो वाले मैजिक मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ आप देखोगे, इसके अंदर पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर्स को ऐड कर रहे थे, कहीं हम कॉन्केटिनेट कर रहे थे, इधर हम ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। एक एग्जांपल और देता हूँ इसका, थोड़ा सा देखना इसको,
एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट नाम से, इसके अंदर मैंने क्या करा आपका एक इनिट फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने आपका सेल्फ पास कर दिया अभी के लिए, और इसके बाद मैंने एक आपका क्या करा, मैंने आपको दो फंक्शंस और बताए थे ग्रेटर देन और लेस देन ना, उनको यूज़ करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर GT अंडरस्कोर अंडरस्कोर LE इन दोनों को यूज करेंगे हम। अब क्या करते हैं मार्क्स सर, ये GT और LE एक फंक्शन है, ये सारे आपके मैजिक मेथड्स हैं। ओके सर, ठीक है, मैं आपको बताया था जैसे कि आपका ऐड मैजिक मेथड है, इसी तरह से आपके कुछ मैजिक मेथड्स और हैं, इधर इसमें लिख देते हैं, जैसे ऐड है आपका वैसे ही आपका सब है, वैसे ही आपका MUL मल्टीप्लाई है, वैसे ही आपका DIV डिवीजन है, वैसे ही आपका ये आपका मॉड्यूलस है, फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, डिव हो गया आपका, इसके बाद आपका कौन सा है फ्लोर डिव, ठीक है, आगे पीछे ऐसे ही आपका है, इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन आपका लेस देन आपका लेस देन इक्वल टू आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और भी हैं, मैं भी आपको शेयर करता हूँ सारी लिस्ट, ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब कुछ मैजिक मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ठीक है। वापस इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इस टास्क पर, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपका जो प्लस जो ग्रेटर देन और लेस देन आपके मेथड्स हैं बाहर, उनको हम इससे ओवरराइड कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिया लेट सपोज नेम, और एक मैंने लिया मार्क्स, मैंने इधर मार्क्स भी पास कर दिया, ठीक है। ग्रेटर देन में मैंने क्या करा, दो वैल्यूज पास करी, जैसे मैंने पहले पास करी थी सेल्फ और अदर, इसके अंदर मैंने क्या करा आपका चेक कर लिया और रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन अदर डॉट मार्क्स, लेस देन इक्वल में मैंने इसमें चेक कर लिया, इसको पास करा मैंने, सेल्फ डॉट मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू अदर डॉट मार्क्स, ठीक है। कुछ मैंने फंक्शंस बना लिए, अब हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे ग्रेटर देन लॉजिक को और लेस देन लॉजिक को जो हम बाहर यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, लेट सपोज प्रिंट कराया 10 इज ग्रेटर देन 20 और मैंने इसमें आगे लिख दिया 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या देगा ये मेरे को आउटपुट, ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, क्या 10 आपका 20 से बड़ा होता है, क्या देगा ये, नहीं सर, क्या देगा ये मेरे को, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, F। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास को यूज करके हम इसके अंदर पास करेंगे वैल्यूज, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक S1 स्टूडेंट बनाया, S1 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैंने वैल्यूज पास कर दी, इसके अंदर लेट सपोज मैंने नाम पास कर दिया करण, इसको मार्क्स दे दिए मैंने लेट सपोज 99, एक मैंने स्टूडेंट बनाया स्वयं, उसको मार्क्स दे दिए मैंने लेट सपोज, जिसको नंबर कम दूंगा वो गड़बड़ हो जाएगा, है, अरे कोई बात नहीं सर, ठीक है, तुम थोड़े से एक नंबर कम ले लो ना, 98, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों के अंदर मैंने वैल्यूज पास कर दी, सेल्फ के अंदर नेम और मार्क्स दोनों सेट हो गए, करण और स्वयं, और आपके 98 और 99 दोनों सेट हो गए। अब मेरे को क्या करना है,
ये इसके अंदर मेरे को सर, कम। हाँ एक में आप जीडी मतलब पहले वाला फंक्शन कॉल करा के पास कराओगे सर, एक में दूसरा वाला फंक्शन कॉल करा के पास कराओगे। हाँ ग्रेटर देन आपका ये, और आपका ये क्या है लेस देन इक्वल टू एल ई है ना, यस सर। और हमने अंदर भी यूज़ कर रखा। अब इसके अंदर आप ये देखो, अभी आप क्या करते हैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो बाहर, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर लेट सपोज मेरे को चेक करना है, इसके अंदर मैं चेक, बिना मैजिक वर्ड के हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को नहीं करा सकते ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप कंपेयर नहीं करा सकते। कैसे कराओगे? बाहर निकालोगे या तो फिर एस वन, या तो आप कैसे करोगे एस वन डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस टू डॉट मार्क्स, ऐसी तो करोगे, या तो यही कर सकते हो, यस सर। है ना, इस तरह से आप कर सकते हो, या तो फिर एस वन इज ग्रेटर देन एस टू, तो ये हो गया केस। इसका आउटपुट क्या आएगा चला के देखते हैं। फोर वन जीरो थ्री, देखो इसका क्या है आपका ट्रू आया। आपने क्या करा, दो वैल्यूज को कंपेयर करा एस वन और एस टू को, ग्रेटर देन मार्क्स जैसे ही आपने ये ग्रेटर देन साइन लगाया इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसने इस ये वाला जो फंक्शन है इसने क्या करा, इसको ओवरराइड कर दिया। ये आपका ग्रेटर देन ना चल के ये वाला आपका ग्रेटर देन लॉजिक चल रहा है। इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो अंदर, है ना, इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन आप ये मानो जहाँ आपने ग्रेटर देन लॉजिक इधर लगाया, ग्रेटर देन ऑपरेटर इधर लगाया, इसने क्या करा इसको ओवरराइड कर दिया और इस वाले मेथड को यूज़ करने लग गया। सर अगर आपने सेल्फ डॉट मार्क के बीच में ये ग्रेटर देन का साइन लगाया है तो उसमें मतलब अगर हम कुछ भी लगा देंगे तब भी ग्रेटर देन ही चेक करेगा? नहीं 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 ये जब कभी भी बाहर ग्रेटर देन साइन यूज होगा, अंदर ग्रेटर देन वाला मेथड कॉल होगा, मैजिक मेथड। अंदर कुछ भी आप कर सकते हो, अंदर आप प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिफरेंस भी निकाल सकते हो, लेस देन भी निकाल सकते हो, आप अंदर कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस सर। अंदर कुछ भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आप कंपेयर कर रहे हो एस वन और एस टू के ऑब्जेक्ट को, और उसमें आप देख रहे हो कि क्या एस वन एस टू से बड़ा है, अगर आप ये चेक कर रहे हो तो आपको इसके अंदर एक्चुअल में ही ग्रेटर आपको लगाना चाहिए, अदरवाइज लॉजिक आपका बिगड़ जाएगा आगे। ये और देखते हैं, इसको चला कर देखते हैं, इसने क्या करा देखो, इसको फॉल्स दे दिया, ठीक है, ये आपका ट्रू था। क्लियर है? ये सेम एज इट इज हम इस वाले साइन के साथ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, जैसे हम बाहर लेस देन इक्वल्स टू यूज करेंगे अंदर भी आपका लेस देन इक्वल्स टू यूज होने लगेगा। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इधर कर दिया। सर ये आप जो कमेंट, ये कमेंट करके मतलब ये स्ट्रिंग बना के कर रहे हो सर, ये भी कुछ काम कर रहा है क्या सर? नहीं नहीं ये प्रिंट कर रहा है बस, ये प्रिंट ही तो कर रहा है सर। एस टू एस वन लेस देन ग्रेटर देन एस वन इज ग्रेटर देन एस टू इज ग्रेटर देन एस वन एस टू, एक सेकेंड ना, लेस देन एस टू इज लेस देन एस वन एस टू इज लेस देन एस वन, चलाता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला है आपका ट्रू, ये आया आपका फॉल्स, ये आया आपका फॉल्स, ये आया आपका ट्रू, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, एक लेस देन का एक फंक्शन बनाया लेस देन इक्वल्स टू का, एक हमने ग्रेटर देन का फंक्शन बनाया, ठीक
ठीक है, हमने क्या करा, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर हैं इनको ओवरराइड कर दिया विद मैजिक फंक्शंस ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। क्लियर है? फंक्शन ये भी बिना लॉजिक लगाए भी समझ जाए कि ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू वाला भी क्या आपने नीचे लगा दिया है ना। आगे सर सर ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में अगर आप ये ऑपरेटर यूज करोगे आपका ये ऑपरेटर उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो। नहीं सर ये मैं पूछा था, ये आपने ये s1 less than equals to s2 लाया ना सर, वो लॉजिक को लगा दिया है, ये देख रहा था, मतलब खुद से equals to का जो लॉजिक ला रहा है खुद से लगा रहा है। नहीं नहीं ये रहा ना। हाँ सर देख लो आगे सर। समझ में आ गया करण? समझ में आ गया उसका सर? जी सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड, एक सेकंड सर लिख ही लो सर, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर ले लिया सर। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल हो गए दो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं अगला मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप मेथड जो आपको मेथड यूज़ करना है उसकी जगह आप दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसमें लिखो इफ टू मेथड्स हैविंग सेम नेम, If two methods having same name but different argument types then those methods are said to be overloaded methods। सेम नेम के मेथड है बट आर्ग्यूमेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर पास हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके ओवरलोडेड मेथड्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज इसके अंदर आप हाँ, इफ टू मेथड्स आर विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यस सर, देन दोज मेथड्स आर कॉल्ड एज ओवरलोडेड मेथड्स, यस सर। ठीक है, इसके अंदर पहले के अंदर आप देखो इंट ए पास कर रहे हैं और दूसरे में हम डबल ए पास कर रहे हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ओवरलोडेड मेथड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे लिखो बट इन पाइथन, ये ट्विस्ट आ गया, बट इन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। जावा में है, पाइथन में नहीं है। बट इन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। इफ वी ट्राई टू डिक्लेयर मल्टीपल मेथड्स, विद सेम नेम, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें यूज़ होती हैं कंपनीज में, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो थोड़ा सा इसको पॉइंट को देख लेना। और इंटरव्यू में बहुत चीज़ें पूछी जाती है इससे ना। इफ वी ट्राई टू डिक्लेयर मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देन पाइथन विल ऑलवेज कंसिडर ओनली लास्ट मेथड, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओनली कंसिडर लास्ट मेथड, हाँ केवल लास्ट मेथड को वो आपका रिजेंबल कर पाएगा, बाकी सब तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई डेमो नाम से, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया ए वन और सेल्फ, और इसके अंदर मैंने क्या करा प्रिंट करा दिया विद नो आर्ग्यूमेंट,
TRGUME, ठीक है। एक सेम फंक्शन मैंने बनाया A1, इसके अंदर मैंने क्या करा, एक वैल्यू पास कर दी सेल फॉर A, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया विद वन आर्ग्यूमेंट, और एक और बनाया मैंने दो वैल्यूज के साथ, इसके अंदर मैंने क्या करा A और B, देखो मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है ना ये, विद टू आर्ग्यूमेंट, सेम मेथड ने बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टाइप और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट नंबर्स, ठीक है। दो तरीके से होती है मेथड ओवरलोडिंग, या तो आपके आर्ग्यूमेंट का टाइप डिफरेंट हो, जो कि इसके अंदर होता नहीं है, इसके अंदर तो टाइप जब हम यूज़ करते हैं तभी होता है, इसके अंदर हम टाइप डिफाइन तो करते नहीं है कि इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है, सी में होता है जावा में होता है, या फिर आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लेके चलो। अब इसके अंदर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स तो पास कर सकते हैं, इसके अंदर एक भी नहीं करा, इसके अंदर एक करा, इसके अंदर दो करें। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, लेट सपोज डी इज इक्वल्स टू डेमो, ठीक है, इसको एक बार रन कराते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पहला वाला मेथड कॉल करते हैं, क्या था उसका A1, पहला वाला मेथड कॉल करते हैं, एरर दे दिया, क्या एरर दिया भाई इसने कि D.A1 टाइप एरर डेमो A1 मिसिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, रिक्वायर टू आर्ग्यूमेंट्स A एंड B, क्यों आया, मैंने आपको बोला था इसके अंदर अगर आपने मेथड ओवरलोडिंग एक्सेस करने की कोशिश करी तो आप ए आपका जो मेथड है जो पाइथन रीड करेगा, लास्ट वाला मेथड पाइथन रीड करेगा, चाहे इसको ऊपर नीचे सीक्वेंस कर दो, जो भी लास्ट में आएगा उसको वो रीड करेगा, क्लियर है। अगर सर ये जावा होती वो सारे टेप को रीड कर लेता, सारे रीड करता वो, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर लेट सपोज मैंने पास करा 10, यस सर, फिर एरर आया, एक मिनट इसको कमेंट करते हैं पहले, अभी भी एरर आया कि भाई बी आर्ग्यूमेंट कहाँ है तुम्हारा, क्या एरर आया कि भाई बी आर्ग्यूमेंट इज मिसिंग, आपने एक वैल्यू तो पास कर दी, दूसरी वैल्यू और पास करो। अब तीसरे तरीके से ट्राई करते हैं, लेट सपोज D.A1 इसके अंदर मैंने पास कर दिया 10 और 20, इस केस में क्या होगा, ये आपका चल जाएगा, अच्छा सर वो पास कर दिया, यस सर, ठीक है। सर आपने ये जो आपने डेफ A1 सेल कॉमा A कराया, फिर A कॉमा B कराया, ये क्या कराया सर दूसरे फंक्शन इसमें, ऊपर सर क्लास में ये, हाँ सर पहले आपने A पास कराया फिर A कॉमा B पास कराया, हाँ ये आपके तीन मेथड बनाए सेम नेम के, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है, मेथड ओवरलोडिंग में मैंने क्या लिखवाया बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखवाया मैंने, इफ टू मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, that those methods are called as method overloaded, overloaded yes, method कहलाते हैं। सेम चीज़ हमने इसके अंदर डाली, हमने क्या करा सेम नेम के मेथड्स बनाए तीन, इसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करें, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि भाई पाइथन सपोर्ट नहीं करता ओवरलोडिंग, हमने ट्राई हमने नहीं माना, हमने ट्राई करा भाई चलाया नहीं आया, इसके अंदर एरर आया, इसको चलाया नहीं आया, एरर इसके अंदर भी आया, इसको चलाया इसमें सक्सेस हो गया। अब क्यों सक्सेस हुआ, मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि जब कभी भी आप ओवरलोडेड को करने की कोशिश करोगे तो सेम नेम से जो लास्ट में जो मेथड आएगा केवल पाइथन उसको रीड करता है। ओके सर, अगर मैं इस वाले मेथड को सबसे नीचे डाल दूंगा तो आपका ये दो एरर देंगे और ये जो विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला ये आपका चलेगा, ठीक है। तो जो लास्ट में जो मेथड मिलता है उसको वो रीड करता है। सर लास्ट वाले का आउटपुट क्या आ रहा है इसमें, लास्ट वाले का आउटपुट आ रहा है विद टू आर्ग्यूमेंट्स, प्रिंट कराया ना बस हमने मैसेज अभी तक, हाँ सर इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लो थोड़ा सा यार, थोड़ा पानी पी लो मेरा ना,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया, एक दो मिनट मैं भी थोड़ा सा ना शांत हो लूँगा। अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये हो जाए तो बताना है ना। अब इसको एक्सेस, इसको क्या कहते हैं, एक तरह से यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूँ पहले, जिसको आप इस ये मेथड ओवरलोडिंग एक तरह से अचीव कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये लिख लिया यस सर। करण लिख लिया, यस सर। हो गया ठीक सर, एक मिनट में। ठीक है, करण आ गए? अच्छा, मैं तो यही हूँ सर। स्वयं आ गए तुम? हाँ सर। ठीक है, अब इसको हमें तो चलाना है भाई, कैसे चलाएंगे? व्हाट वी विल डू कि भाई हम ये तो मेथड्स नहीं बनाएंगे, इंस्टेड हम क्या करेंगे, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देंगे, नन। ठीक है, हमने नन डिफाइन कर दिया तो इस केस में क्या होगा, या तो हम ये चलाएं या फिर ये चलाएं या फिर ये चलाएं, तीनों हमारे सक्सेसफुल चलेंगे। कैसे चलेंगे चला के दिखाता हूँ मैं। पाइथन 3 और ठीक है, तीनों चल गए। यस सर। अब क्या करा इसने भाई, पाइथन क्या बोलता है कि आपका अगर आप सेम नेम से आप डिफाइन करते हो तो आपका लास्ट वाला मेथड वो रीड करता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर ये डिफाइन कर दिया। अब मेरे को ये अचीव करना है, ये कोड अचीव करना है, इसके अंदर मैं क्या लगा दूंगा, इफ एल्स लगा दूंगा। इफ ए नॉट इक्वल्स टू नन, मैंने क्या करा इसके अंदर, सॉरी, इफ ए इक्वल्स टू नन मैंने क्या करा इसके अंदर, ये डाल दिया एल इफ। ठीक है, एल इफ, इसमें कोट्स लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इसको हटा देता हूँ मैं। एलिफ बी इक्वल इक्वल टू नन, मैंने इसके अंदर क्या लगा दिया, ये वाला मेथड लगा दिया, और इसके अंदर एल्स, एल्स के अंदर मैंने ये वाला केस डाल दिया। हमें यही चाहिए था कि भाई अगर हम एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करें तो हमें ये मैसेज प्रिंट हो जाए, अगर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करें तो ये वाला मैथ वैल्यू या फिर जो भी हम लॉजिक लिख रहे हैं वो यूज़ हो जाए, और अगर हम दोनों वैल्यूज पास कर रहे हैं तो ये वाला लॉजिक प्रोसीड हो, यही चाहते थे हम। हमने सेम चीज़ एक के अंदर डाल दी, चला के देखते हैं, हैंग होने लगता है तो मैं पढ़ाते पढ़ाते यार लैपटॉप, विद नो आर्ग्यूमेंट, विद वन आर्ग्यूमेंट और विद टू आर्ग्यूमेंट। तो इस केस में क्या हुआ, आपके ये दो मेथड्स की तो ज़रूरत पड़ी नहीं पहली बात, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। हाँ सर। और इसका आउटपुट क्या आया, जब हमने एक भी वैल्यू पास नहीं करी विद नो आर्ग्यूमेंट, जब हमने एक वैल्यू पास करी केवल ए, तो हमारे क्या आ गया, विद वन आर्ग्यूमेंट, और अगर हमने दोनों पास करी तो क्या आ गया, विद टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, लेकिन हम उसको अचीव इस तरह से कर सकते। बस सर, अगर आपने ऊपर नन डाल दिया और नीचे वैल्यू मतलब आर्गुमेंट दे दिए, तो ऊपर तो नन है ही ना। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो होती है ये आपकी क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू। ये मैंने जब मेथड के अंदर इस तरह से डिफाइन करी, इसका मतलब क्या, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप वैल्यू आगे से पास करोगे
तो डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और ए की वैल्यू 10 हो गई इस केस में। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसमें आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, सेल्फ का ऑब्जेक्ट मिला, ए की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, नन हो गई। डिफॉल्ट वैल्यू है ये। जब मैंने ए की वैल्यू 10 पास करी तो क्या हो गया, ए की वैल्यू नन से हट के ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, लेकिन बी की वैल्यू नन रही क्योंकि बी की वैल्यू आपने पास नहीं करी जिसको वो ओवरराइड करें। सेम इस केस में ए की वैल्यू आपने 10 दी है, बी की वैल्यू 20 दी है, तो ये डिफॉल्ट से हट के, डिफॉल्ट मतलब ये कि अगर इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये वाली वैल्यू यूज करेगा। ओके सर, ठीक है। यस सर, इस एग्जांपल को और लिख लो। सर जो आप यूडीवी में आपने जो कोर्स डाला है सर, उसमें आप सर्टिफिकेट दे रहे हो? फ्री कोर्स है ना वो, शायद यूडीमी सर्टिफिकेट नहीं देता, पेड होता है तो शायद उसमें देता है, फ्री में नहीं देता यूडीमी जितना मेरे को पता है, वो यूडीमी की पॉलिसी है। उसको देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, करीब हाफ एन आवर का कोर्स है और बहुत ही उसके मैं अंदर सर अपने दोस्तों से सजेस्ट कर दिया, एक दो यूडीमी वाला कोर्स, तो वही देख रहा है अभी। अच्छा वो देख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई हैं ताकि कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई पाइथन में वो कोड लिख पाए बेसिक से। और मेन उस हिसाब से बनाया कि अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता ना तो भी वो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख के उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आई कैन डू पाइथन। करण तुम बोल नहीं रहे यार उस दिन से, मैं लग रहा है तुम्हें तो सुंदर पिचाई का सदमा बैठ गया यार। नहीं नहीं तुम बोलते ही नहीं हो, तो मैं इंटरेस्ट देखो, अगर कोई बोलता नहीं है ना तो इसका मतलब ये होता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सर आ तो रहा है, नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, तुम बोलते नहीं हो तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और तुम पहले बात करते थे इधर उधर की बात, तो मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड बात करो। देखो एक चीज़ होती है, जब बच्चा होता है बच्चे को ए बी सी डी सिखाई जाती है, अगर वो ए बी सी डी नहीं सीखे और डायरेक्टली वो एप्पल बनाना सीखने लग जाए तो उसको बाद में जाके नहीं फॉर्चूनर का मतलब नहीं पता, उसको बाद में जाके बल्ब का मतलब नहीं पता, उसे बस उतना ही पता है जितना उसने पढ़ा है। तो पहले ए बी सी डी सीखो उसके बाद फिर तुम सुंदर पिचाई बनना। नहीं सर पढ़ तो रहा हूँ। हाँ पढ़ रहे तुम्हें मैंने काम दिया टिक टैक टो वाला, कौन सा रॉक पेपर सीजर, सॉरी वो करा नहीं तुमने, वो टिक टैक टो वाला कर दिया। हाँ वो तो तुम पहले से कर रहे थे, वो तो जावा स्क्रिप्ट में करा है ना, पाइथन में करो। देखो अगर जो चीज़ सीख रहे हो उस चीज़ को दिल से सीखो। अभी सर टाइम नहीं है ना करने का। हाँ तुमने टिक टैक टो तो कर लिया तुमने, उसका कहाँ से टाइम आ गया, वो तो हाल अभी अभी कर रहा था। है चलो मेरे मेरे हिसाब से मैक्सिमम 4 या 5 क्लास का और बचा है, मैक्सिमम शायद 2 वीक्स का बचा है मेरे हिसाब से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये लिख लिया ये? यस सर। अगला टॉपिक डालो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। अगला टॉपिक डालो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसके अंदर लिखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन कंस्ट्रक्टर। Overloading is not considered, not applicable in Python. Yes, sir. If we define multiple constructors, if we define multiple constructors, yes, sir. Then it will consider only last constructor. Same example. ठीक है, इसको देखते हैं दोबारा से, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है, इसको भी और इसको भी चला के देखते हैं भाई। चल गया सर। कहाँ चला,
से पुरानी है। पाइथन 4106 एरर दे दिया। एक हाँ सर, सेकंड रुको, क्यों एरर दिया भाई? लास्ट वाले चलना चाहिए थे। हाँ एक सेकंड, सेल्फ ए बी फाइल सेव है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फाइल कौन सी चलाई मैंने? पाइथन 4106 कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और अच्छा ये भी तो भाई शाबाश। ठीक है, इसके अंदर अब क्या होगा, हम डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। एक सेकेंड, सर पता है अभी पापा खड़े थे मेरे बगल में, अच्छा ओहो अब तो पिटाई होगी। पिटाई नहीं होगी, हैं पिटाई नहीं होगी, क्यों क्या हो गया, पिटाई होगी? अच्छा पिटाई भी नहीं होगी, पिटाई भी नहीं होगी, भाषणबाजी करी जाएगी। मैं तो चाहता हूँ बच्चे पिटे, जब तक तो माँ बाप के हाथ से डंडे नहीं पड़ते ना बच्चों को, मतलब बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए कि चैन नहीं आए उनको भी। ये बच्चे ज़्यादा तरक्की करते हैं जो माँ बाप के हाथ से पिटते हैं ना, सही बता रहा हूँ मैं, हम भी पिटे हैं, मजा आता है। फिर थोड़े बड़े हो जाओगे फिर कहाँ के पिट क्या बात है पाओगे, सर, हैं? मजे की क्या बात है सर। मजे इन द सेंस याद रहता है जिंदगी भर। सर ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी हमने क्या करा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करा, एरर आ गया भाई। इसने क्या करा, लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को पकड़ के बैठा हुआ है, लास्ट वाले मेथड, क्योंकि भाई मेरे को दो वैल्यूज चाहिए। इसने क्या बोल दिया, एरर बोल दिया कि भाई टाइप एरर, डेमो इंट मिसिंग टू रिक्वायर्ड वैल्यूज। क्लियर है? यानी सर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हो? ऑब्जेक्ट ही तो आपने मेथड है अच्छा ना, हाँ सॉरी क्लास हाँ है, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हाँ सर वही, ठीक है, सेम एज हाँ इट इज। इसके अंदर अगर मैं इसको पास करूंगा तो इसमें क्या बोलेगा भाई, जी एक सर, आर्गुमेंट मिसिंग है लास्ट वाली बी वाली, है ना? हाँ सर और अगर मैं लास्ट वाले को चलाऊंगा तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा चल जाएगा, जैसे उसमें यस चला सर। था, जैसे मेथड है वैसे कंस्ट्रक्टर चल जाए भाई। ये पाइथन में पढ़ाता हूँ मैं, लैपटॉप हिलने लगता है और वैसे नॉर्मल चलता है। ठीक है, ये आ गया। मेरा कुछ मिला है सर, मैं कैसे हिल रहा है। अब ऐसे ही है भाई, ये आ गया समझ में? अब सेम चीज़ को अचीव करने के लिए जैसे हमने उसमें यूज़ करा था वैसे हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने उसमें क्या यूज़ करा था कि भाई एक ही मेथड बना दिया था, एक ही मेथड के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ के केसेस भी लगा दिए थे, सेम एज इट इज़ हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। रीनेम करा और इसके अंदर हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और इसके फाइल को दे दिया 7। ठीक है, यस सर, थोड़ा सा जूम कर दिया है, छोटा छोटा कर दिया। हाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर मैंने ये पास कर दिया, ए और बी पास कर दिया। इसके अंदर अगर मेरे को एक भी वैल्यू पास नहीं करूँगा तो आपका क्या चलेगा, ये वाला केस चलेगा। एक वैल्यू पास करूँगा तो ये वाला केस चलेगा। एक सेकेंड रुको, ठीक है यस सर, चला के देखते हैं, सेम चीज है। विद वन, विद नो आर्ग्यूमेंट, विद वन आर्ग्यूमेंट एंड विद टू आर्ग्यूमेंट, आपने सेम कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए। ठीक है, यस सर, सेम चीज। चलो इसको लिखना है, लिख लो। देखिए सर, ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो ओवरराइडिंग। वैसे सर ये भी नहीं करता हुआ पाइथन में, देखो चलो
चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, करता है नहीं करता सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओवरराइडिंग लिखो, ओवरराइडिंग। सर अभी आपने बताया फिर से बोला ना मार वाली पिटाई वाली बात करी थी आपने अभी। हाँ फिर पापा पकड़े थे बगल में, जैसे मैंने बोला वहां से पापा आ गए। सही है सही है, माँ बाप कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, ये चीज बच्चे समझ नहीं पाते। नीचे पूजा करने आए थे ना, बच्चे समझ नहीं पाते माँ बाप कितना ख्याल रखते हैं। जहाँ भी गलती होती है वहाँ ठोक देते हैं कि भाई गलत रास्ते पे जा रहे, सीधा हो जा। ऐसा कोई करेगा तुम्हें पता है दुनिया में कोई करता नहीं है ऐसे। अरे ये सर ये तो मालूम है, ये तो आए दिन हम लोग सुन दे रहे कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा माँ बाप के अलावा, कोई काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही, दोस्त भी एंड में भग जाते हैं जब काम पड़ेगा ना, कुछ ही दोस्त होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओवरराइडिंग हेडिंग डाल ली, अच्छे निकले जो काम के टाइम पे भग गए मेरी उल्टी लगवा गए। मैं उनके घर नहीं जाता था कुछ बोलने, वो सारे दोस्त मेरे घर आते थे। अच्छा, अरे सर खुद चीज करवाते थे फिर मेरा नाम लगा के मेरे घर पे भिड़ा जाते थे। मेरी मम्मी ऐसी कि मैं अपने बच्चे को राम नहीं समझूंगी, पहले मुझे कूटती थी बाद में कुछ ऑन से पूछती थी, वो निकल जाते थे जब तक मैं कूट जाता था। सही है, मालूम तो पड़ जाता ना दोस्त ऐसे हैं। अरे मैं तभी तो आकाश से निकले हैं। बहुत बार हो चुका था ऐसा, खतरनाक दोस्त है तुम्हारा भाई। अब मैं पान खा रहा था मीठा, उसके अंदर तम्बाकू डलवा दी उन्होंने बहुत सारी, डबल जीरो वाली। कल तो पान खाया मैंने, शादी में गया था ना, लेकिन पान के पत्ते अजीब से कर देते हैं वो। पान के पता नहीं पत्ते अजीब से थे, लेकिन वहाँ पे भगवान टाकिश पे मीठा पान बहुत अच्छा मिलता है, इलायची वगैरह सब डाल दिया होता है। लेकिन उन्होंने क्या करा सर, मुझे गर्मी में, मैं कह रहा हूँ सर्दी में गर्मी लग गई इतनी ज़्यादा, उन्होंने वो उसके अंदर डलवा चुकी थी। मुझे इतनी उल्टी हुई उस दिन, और मेरे घर पे आके कहते हैं देखो उसने पान खाया है, वो भी तम्बाकू का। मेरे को चक्कर ही चक्कर, मेरे घर वाले मुझ पर लग भी रही इधर से ऐसी तैसी भी हो रही, मार भी पड़ रही और चक्कर भी आ रहा है। कोई नहीं, लेट गए होगे उस दिन तो। उठ ही नहीं पाया सर। चल ओवरराइडिंग लिखी, हेडिंग लिख ली ओवरराइडिंग। यस सर। हाँ इसमें लिखो ओवरराइडिंग इज अ फीचर, ओवरराइडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज अ सब क्लास that allows a subclass that allows a subclass or child class सर आपको मालूम है गुन्ना का फोन आया है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको मेरे YouTube का लिंक दे देना, वहां से पढ़ लेगा। और क्या है ना, लिंक भेज दिए उसको, है ना। तब आपका यूट्यूब नहीं था। अच्छा तुम तो कह रहे अभी फोन आया था। हाँ अभी की तो बात बता रहा हूँ, मतलब कुछ दिन पहले की, जब अपनी पाइथन स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस बात को, हाँ 3 महीने हो गए भाई। ठीक है अब आया था सर, पता नहीं कुछ दिन पहले ही आया था, दिन तो हो गए ना सर। अच्छा फिर जब कुछ और रो रहा होगा है, कुछ और रो रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखा ओवरराइडिंग इज अ फीचर दैट अलाउज सब क्लास और चाइल्ड क्लास। यस सर। दैट अलाउज सब क्लास और चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड। अब सर आपको मालूम है ऊपर जाके पापा मम्मी से बात कर रहे हैं मेरे बारे में। सही है, ये कुछ नहीं कर पा रहा, तू कैसे फूक रही है बार बार। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ जीएलए में एडमिशन ले लो, डेली पिटो, डेली आशीर्वाद लो माँ बाप को, डेली जाओ कॉलेज। अरे सर रहने दो, मैं दूर जाना चाहता हूँ। ओवरराइडिंग द फीचर दैट अलाउज सब क्लास और चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड that is already provided by one of its superclass.
दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। मतलब समझ में आया? लिख लिया पहले? हो गया। इसके इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेरेंट क्लास है और आपकी जो चाइल्ड क्लास है, प्रोवाइडेड बाय के आगे क्या था? वन ऑफ इट सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पेरेंट सेम मेथड या कंस्ट्रक्टर, आपका सेम लॉजिक आपका पेरेंट क्लास में भी है, सेम लॉजिक आपका चाइल्ड क्लास में भी है, तो आप क्या कर सकते हो मेथड, ये क्या कहलाता है आपका, ओवरराइडिंग कहलाता है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड के बीच में सेम रिलेशन, मतलब सेम मेथड से रिलेशन, इज कॉल्ड है मेथड, सॉरी ओवरराइडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर टॉपिक डाल लो मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग डाल दी? डाल ली सर। इसके अंदर लिखो व्हेन एवर मेंबर्स अवेलेबल इन पेरेंट क्लास, तो व्हेन एवर पेरेंट्स, सॉरी व्हेन एवर मेंबर्स अवेलेबल इन पेरेंट क्लास by parent class are by default available in child class, are by default available in child class through inheritance, and if child class is not satisfied with parent class, and child class is not satisfied with parent class implementation, and child class is not satisfied with parent class implementation, then child class is allowed to redefine, then child class is allowed to redefine those methods in child class based on its requirement। लिख लिया? इतना सारा लिख लिया? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। एक मिनट सर, बन गया सर रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर बन गया तुम्हारा? मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, फिर तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी घर वालों से। अभी तुम ये चीज पढ़ो रॉक पेपर सीजर, तो तुम आधे घंटे बात करते। नहीं, ये तो आप बोल रहे हो तो मैं सुन भी रहा हूं, मतलब बन गया। नहीं 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 नहीं, फिर तो तुम सही पढ़ते हो। हैं सही पढ़ते हो फिर तुम? वो पान तुम नहीं खाया होगा मजे मजे में, तुम अपने दोस्तों का नाम लगा रहे हो। नहीं दोस्तों का, तुम मम्मी पापा किसी से बात कराओगे ना, तो अगली बार मैं ऐसी तारीफ करूंगा तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तुम एक चीज बताओ, मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, और तुम रॉक पेपर सीजर बना रहे हो, फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? ये भी पढ़ रहा हूँ सर। देखो, एक होता है बिल गेट्स, एक होता है स्टीव जॉब्स। भाई उनको जो मास्टर पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा आता है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी। एक हो तुम, एक हो हम। अब हम जो पढ़ा रहे हैं पहले वो तो सीख लो। वो सीख तो रहा हूँ सर। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे मतलब वो दो विंडो खुली हुई है ना, एक टीवी पे, एक यहाँ पे आपके पास। अच्छा टीवी लगा रखी तुमने? हाँ
हाँ रुक जा, टीवी हटवाता हूँ तुम्हारी। मजे में हो तुम्हें? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो तुमने वो देखी है, वो कौन सी थी, ट्वेल्थ फेल, कौन सी थी वो, ट्वेल्थ फेल थी, देखी थी ट्वेल्थ फेल पिक्चर? सर बारी मेल हाँ, बारहवीं फेल। सर उसकी आई थी, कौन सा हीरो था वो, आईएएस की तैयारी करता है फिर आईपीएस बनता है। मेरे घर के पास में शूटिंग हुई थी सर उसकी पूरी अच्छा, आगरा में बेलनगंज शूटिंग में हुई हुई है? थी अच्छा सर बेलनगंज में बेलनगंज। हुई थी करण, करण पिटाई लग, डांट लग दी क्या? आवाज आ रही थी सर अभी करण सर जो हमारा बड़ा वाला प्रोजेक्ट होगा सर वो कितना बड़ा अपना कितने दिन का होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक का, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, मतलब इतना दूंगा कि मतलब आप 3 4 दिन के अंदर आप उसको कर लो। सर फिर 3 4 दिन तो भाई करण, सर डिस्कनेक्ट हो गया सर नेट गया उसका अच्छा तुम्हारे यहाँ से आ रही है आवाज़, हाँ सर मिला डांट पड़ रही है उसको पीछे से। करण को फोन मिलाता हूँ मैं। नेट भी करण आ गए तुम? हाँ सर वो लैपटॉप बंद हो गया था बैठ गया था मैं ओ बैटरी खत्म हो गई। मैं तुमसे कह रहा, तुम बड़े मौज में, वो टीवी में लगा रखा है लैपटॉप तुमने, वाह वही वाह, वाह वही वाह। वहाँ तुम्हारे नेट खत्म, बैटरी खत्म। हाँ मैं नेट ट्वेल्थ फेल वो की, ट्वेल्थ फेल की बात कर रहा था। तुमने देखा होगा ट्वेल्थ फेल जैसे पिक्चर देखी होगी या कुछ ऐसे देखा होगा, उसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, नॉर्मली देखना एक बच्चा होता है जो कि मान लो या तो वो रईस है या मिडिल है या लो है या कुछ भी है, ठीक है, उसमें पैसे का कोई मैटर नहीं करता या फिर उसके स्टेटस का मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसकी विल का। उसमें क्या होता है जैसे कि जो गरीब बच्चा होता है उसको फोकस रहता है कि भाई मेरे को एक अच्छी नौकरी पानी है, जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है उसको भी होता है कि अच्छी नौकरी पानी है, अच्छे स्टेटस पाना है, जो हाई लेवल क्लास का बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरे को एक अपना नाम मुकाम, नाम वो करना है एक तरह से पर्टिकुलर, कि मेरे को एक अपना नाम बनाना है, ठीक है, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट होते हैं। अगर वो विल, अगर वो विल किसी के आपने अंदर है, अगर वो विल किसी के अंदर है तो वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। अब इसमें पैसे की बात नहीं आती कि गरीब है कि अमीर है कि क्या है, इसके अंदर विल की बात आती है। अब जो गरीब हाँ होता है उसके पास क्या होता है, मजबूरी होती है कि अगर वो नौकरी नहीं पाएगा तो वो करेगा क्या, समझ रहे हो? जो मिडिल क्लास होता है और जो अपर मिडिल क्लास होता है उसमें पैसे से बढ़ के थोड़ा आ जाता है रेपुटेशन, ठीक है, भाई मेरे को नाम बनाना है, पैसे तो घर पे है ही है, जो सबसे अमीर होता है वो तो पैसे तो है, मिडिल वाले को कि और पैसे कमाने हैं, नाम बनाना है, ये आपका नॉर्मल कंसेप्ट चलता है। अगर कोई गरीब बच्चा है वो ये सोच के बैठ जाए कि अरे छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, जो एक अगर मिडिल क्लास का बच्चा है वो सोच के बैठे हैं कि अरे अपना बिजनेस तो सही है, इसी को बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, और अगर जो रईस बच्चा है वो सोच के बैठे हैं कि अपना तो भाई खानदानी पैसा है, क्या करना, कुछ करके नहीं है, तो वो बच्चा कभी कुछ सक्सेस नहीं हो सकता। तो हाँ एक आपको पॉइंट ऑफ साइट, अपना विजन बना के चलना है कि मेरे को ये अचीव करना है, इसके लिए मेरे को ये चीज़ें करनी है। अगर आप, अब जैसे अभी जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को कंसंट्रेट करोगे तो आपको क्या है कि पाइथन चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आएंगी। इसमें प्रैक्टिस करो या जो भी आप नहीं चीज़ें कर रहे हो इसमें, उसमें बढ़ो। वो सर आपने लिखवा दिया था ना आपने मतलब वो जो तो आप बोल रहे थे ना ये हाँ वाला मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये आपने लिखवा दिया था आप फिर आप जब बोल रहे थे ना तो मैं उसे सुन रहा था और अपना काम भी कर रहा था नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इतनी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब फिर मैं फटाफट फटाफट पढ़ाता हूँ। अरे फटाफट फटाफट नहीं सर आप समझ नहीं रहे बात को मैं तो क्या कह रहा हूँ अरे तुम एक चीज़ बताओ, मैं स्पीड इसीलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए और आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो। इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप, या तो मैं बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर आप डाइवर्ट हो रहे हो चीज़ों से। नहीं सर अभी इस आप चीज़ मेरे पे पास तुम फोकस टाइम करो, अगर आप पाइथन अच्छे से सीख जाओगे तो वो टिक टैक टो क्या हो गया और वो सारी चीज़ें क्या हो गई वो आप इजीली बना लोगे। बेसिक सीखो तभी तो एडवांस बनाओगे। तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें है एंड तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता नहीं तो कैसे कर लोगे? तो बेसिक तो सीखो, पाइथन में ही तो कोड लिखोगे, तो कोड तो सीखो पहले बनाना। सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन सर हाँ ये सारे स्टैटिस्टिक्स वगैरह, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स डेटा पूरा साइंस में ही तो आएगा ये सारी चीज़ें होती हैं।
और ट्रिग्नोमेट्री मैथ सीखनी पड़ेगी सर। डेटा साइंस आपका मैथ से रिलेटेड ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना होगा। तो मैथ्स तो खराब है सर। मैथ्स का ही है सारा डेटा साइंस में है। सर मैथ्स तो आती नहीं है सर मेरे ना को। ना तो ना हो जाएगा। उसका एआई पूरी मैथ पे टिकी है, मशीन हाँ मैथ्स का पूरा का लर्निंग। पूरा। हाँ 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 ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कहीं हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को, कहीं हम बनाते हैं। ठीक है सर, मेरे से लाप्लास थ्योरम तो हो नहीं रही है सर। सब हो जाएगा, करो। ठीक है, मेथड ओवर राइडिंग लिख लिया था ना, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हाँ था, मैं भूल सर, गया। मेथड ओवर राइडिंग कहाँ गया भाई, ओवर राइडिंग मैंने आपको बोला पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अगर आपकी कोई पेरेंट क्लास है, लेट सपोज क्लास पी, ठीक है, और आपकी कोई चाइल्ड क्लास है आपकी, लेट सपोज क्लास सी। क्लास सी के अंदर आप क्लास पी के कुछ फीचर्स को यूज़ कर रहे हो, और प्लस अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करते हो, अपने खुद के फीचर्स बनाते हो। लेट सपोज मैंने बनाया डिफाइन प्रॉपर्टी, और मैंने क्या बनाया एक, इसके पास क्या है भाई, अब आते हैं असली मुद्दे पर, प्रिंट करा दिया कि भाई मेरे पास क्या है, गाड़ी है, ठीक है, बंगला है और बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, सी के पास क्या है, सी के पास उसके पापा है ना, ठीक है, सी के पास क्या है, उसके पापा है जिसका ये सारा सामान है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसमें अभी मैं पास लगा देता हूँ, ठीक है ना, अभी इसकी कोई भी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या करा, हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया और एक हमने क्या करा, अब हमने सी डॉट प्रॉपर्टी को कॉल कराया, ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो सी के अंदर हमने क्या पास कर रखा है, पी को पास कर रखा है, क्लास जो पी है उसका हमने पी क्लास को पास करके रखा हुआ है। चला के देखते हैं, एक मिनट, सी की प्रॉपर्टी को कॉल कराया पाइथन 3, जब तक एक बार देखो इसको, 4108 क्या आ गया भाई, सी के पास क्या आ गया, सी ने कुछ नहीं करा, सी निकम्मा इंसान है, उसने कुछ नहीं करा, उसके पास पापा है, उसके पापा के पास प्रॉपर्टी में क्या है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, तो सी के पास भी क्या आ गया, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ठीक है आ गया। तो आपने क्या करा, ऐसा इनहेरिटेंस यूज कर लिया। अब पापा का बिजनेस है लेट सपोज मैन्युफैक्चरिंग का, उससे मेरा क्या फायदा, फायदा तो ये है ना, तुम्हें तो गाड़ी बंगला बैलेंस बैंक बैलेंस सब मिल गया ना, तो ये तो मेरा है ही नहीं ना सर। जो पापा का पैसा होता है वो बच्चे का तो होता ही है। दिस इज पेरेंट क्लास एंड दिस इज चाइल्ड क्लास। सर इसमें पापा भी तो मेरे नहीं है, है तो ये बच्चा भी कौन सा तुम हो। वो भी तो कह रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या फायदा था। तो ये मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल लेके चलो, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम हो, नॉर्मली जो होता है मैं उसको एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ। बिजनेस, पापा का बिजनेस है लेट सपोज फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत तो बड़ी गाड़ी है, फैक्ट्री ना, तो सर बंगला है, ना तो सर बैंक बैलेंस है, ना ही फैक्ट्री है सर। आप सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। पापा का बिजनेस है, पापा की क्या है, फैक्ट्री है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, जो है दूर दूर पे जाता है। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा बोलता है मेरे को बिजनेस अपना करना है, मेरे को बिजनेस अपना करना है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा इसके अंदर भाई, सर्विस हिंदी में बोले तो नौकरी है ना। क्या गड़बड़ हो गया इसके अंदर, एक सेकेंड, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सेल्फ और सेल्फ। सर आपने पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कॉल करा दिया ना सर। हाँ, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करा दिया मैंने, ठीक है, इनहेरिट करा दिया। तो इसके जो फीचर्स हैं सारे के सारे चाइल्ड क्लास के अंदर आ गए, ठीक है। इसके अंदर अब ये प्रॉपर्टी क्लास और बिजनेस, प्रॉपर्टी मेथड और बिजनेस मेथड आ गए। प्रॉपर्टी मेथड हमने रन करा के भी करा चाइल्ड क्लास के थ्रू, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उन्होंने, प्रॉपर्टी मेथड को कॉल करा था, तो ये प्रॉपर्टी मेथड कॉल हो गया था, ठीक है। अब हमने क्या करा, पेरेंट क्लास जो है उसके अंदर एक बिजनेस मेथड है, उसके अंदर कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है,
चाइल्ड क्लास है, उसने क्या करा कि भाई अपना एक अलग बिजनेस खोल लिया, ठीक है, फैक्ट्री हटा गए, हम बोलते हैं लेट सपोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, बहुत चलता था पहले, ठीक है, बच्चे ने क्या करा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर दिया। अब अगर आप बच्चे के बिजनेस को आप देखोगे तो बच्चे का बिजनेस क्या आएगा, फैक्ट्री ना आके क्या आएगा, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आएगा। इसने क्या करा, ये इस पर्टिकुलर क्लास इस मेथड से सेटिस्फाइड नहीं थे, ये जो चाइल्ड क्लास है इस पर्टिकुलर मेथड से सेटिस्फाई नहीं था, तो इसने क्या करा अपने फीचर्स बनाए और एक नया मेथड बनाए और उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी ओवरराइडिंग, ठीक है, समझ में आ गया। ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर होती है, ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लास में होती है, ठीक है, एक पॉइंट स्टार लगा लेना। कोई कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग जब कभी भी सेम मेथड्स हम सेम क्लास के अंदर बनाते हैं, ओवरराइडिंग जब कभी भी हम सेम मेथड्स डिफरेंट क्लास में बनाते हैं, मेनली पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास में। क्लियर है? क्लियर है सर। ये समझ में आ गया? आ गया। बढ़िया, बिजनेस की जगह हम शादी भी कर सकते थे कि बाप बोलता है कि भाई तू कैटरीना कैफ से शादी करेगा, तू बोला नहीं मैं तो इससे शादी करूंगा, ना होता नहीं है। पुरानी पिक्चरों में जरूर देखा होगा, बेटा मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर लिया, बेटा बोलता है नहीं पापा मैं तो इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा। लड़की करती नहीं है, लड़का नहीं बोलता है आज, जो भी है मतलब, हाँ उसमें लड़की बोलती, सही बात, जाऊंगी अपनी जान दे दूंगी पापा करा दो, ठीक है। अब इसके अंदर अब आपने क्या करा, कॉल करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, हाँ कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, ठीक है, इसको लिख लिया, पहले इसको लिख लो, है ना, थोड़ा सा लिख लो, नहीं मैं भी पाँच एक दो मिनट का ब्रेक मिल जाएगा सर। हमारा ब्रेक कब होगा सर? तुम्हारा एक सेकेंड, अभी हो जाएगा सर, अभी कर दो। हाँ बस ये एक लास्ट टॉपिक है, यही टॉपिक है खत्म, इसके बाद तो इसके बाद पाइथन खत्म हो गई। अरे नहीं नहीं ये टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया। तो इसके खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे सर? इसके खत्म करने के बाद मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दूंगा और मैं तुम्हें छोटे छोटे असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू। दूसरे फिर दूसरा कोर्स, देखो मैं कोर्स तो तुम जितने चाहो उतने कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दो। मशीन लर्निंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम अभी छोटे हो थोड़ा सा। पहले सर मैं सोचा जावास्क्रिप्ट करनी, सोचा था जावास्क्रिप्ट एडवांस। सर मैं छोटा तो हूँ लेकिन मुझे आता तो सब कुछ है। अरे यार कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना अभी, कॉन्सेंट्रेशन पता है कब आएगा, पता है कॉन्सेंट्रेशन कब आता है सर? सर सर हाँ बोलो। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन आती है पूरी पूरी, ग्राफ्स आते हैं पूरे पूरे, ठीक है, और लीनियर अग्रेशन है वो आता है, वो मैंने पढ़ लिया। अभी तुम पहले ये पाइथन खत्म करो, उसके बाद तुम अपना जो हैदराबाद में पेपर है वो दो, और स्वयं तुम अपने पेपर दो, उसके बाद फिर देखेंगे, है ना। और जो मीन मीडियन एंड मोड होते हैं वो भी आता है, परसेंटाइल भी आता है, पूरा पूरा बच्चों को आता है यार, 7th क्लास के बच्चों को भी आता है मीन मीडियन मोड। परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल बोल रहा हूं सर मैं। हां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परम्यूटेशन परम्यूटेशन तो कॉम्बिनेशन तो अच्छे से रटा हुआ है। शाबाश। सर मैंने मैंने पढ़ा था सिर्फ दिखाने के लिए सर, वो भी भूल गया तो पढ़ा। मेरे को भी बहुत टाइम हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 15 साल से मैंने यूज भी नहीं करा। बहुत आसान है सर। आसान तो है लेकिन यूज नहीं करो तो भूल जाता है ना इंसान पूरा। आपसे मेरी एक बात हुई थी कि अपने मोबाइल नंबर के कितने नए मोबाइल नंबर बन सकते हैं, या दुनिया के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर है वो कितने मोबाइल नंबर है। अच्छा सर। हाँ ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो सर बहुत डिफिकल्ट है, मैं आईआईटी के लिए पढ़ा था थोड़ा सा। अरे आईआईटी लेवल का इसमें काम नहीं आएगा, वो तो बहुत ही हाई लेवल हो जाएगा। वो मैंने भी कोचिंग ली थी, उसमें पता नहीं पढ़ाते कुछ और है, बुक एनसीईआरटी में कुछ और होता है। चलो लिख लिया वो वाला मेथड ओवरराइडिंग लिख लिया था। यस सर। ठीक है अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ठीक है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का एग्जांपल सेम वही पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर, जैसे हम मेथड को ओवरराइड करते वैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेंगे। मैंने क्या करा एक क्लास बनाई पेरेंट की, इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया,
इसके अंदर सेल्फ पास करा मैंने डिफाइन, और इसके अंदर लेट सपोज मैंने प्रिंट कर दिया पेरेंट क्लास। एक मैंने एक और क्लास बना ही क्लास चाइल्ड, इसके अंदर मैंने क्या करा आपका पेरेंट क्लास पास कर दी, पूरी पेरेंट क्लास पास हो गई। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया ठीक है चाइल्ड क्लास। अभी मतलब जो ये चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास हम पढ़ रहे हैं सर, ये मतलब इसमें किस चीज़ में यूज आएगा? ये मैंने बताया था एग्जांपल्स दिए थे ना स्टार्टिंग में, इसका तो सर बहुत ज्यादा यूज में है सर, ये अलग चीज आपने एग्जांपल नहीं दिए थे शायद से। मैंने जब ऊप्स पढ़ाया था स्टार्ट करा था तो ऊप्स में बताया नहीं था मैंने ये? नहीं नहीं सर, मैं जावा में बताया क्या? एक मिनट रुको, आपने एक बार मतलब बताया नहीं कि इसका यूज क्या होगा। चलो यूज में बताता हूँ, मैंने शायद बताया है फिर भी मैं बताता हूँ। लेट सपोज आपकी एक सेकेंड रुको,